जितने भी लोग हैं उनको रास्ता दिखा रहा है, उनके आगे आ रहा है, मगर हम लोगों का सब अपने अपने आज काम है कि हम लोग उनके साथ कांधा जोड़ के चले। उन्होंने खुद तकलीफ में रह के आज हम लोगों के लिए एक गुलिस्तान बना दिया हिंदुस्तान। उनकी लिखी हुई बातें हैं जिन पे आज हर एक को एक हक है लड़ने का, रहने का, जीने का। यहाँ पर कितने मुसलमान हैं हाथ उठाए, और अगर कम होंगे तो हमें शर्म आएगी, क्योंकि जो ये लड़ाई है ये सिर्फ ओबीसी एसटी जीएसटी की नहीं है, दलित की नहीं है, ये हर उस आदमी की लड़ाई है जो चाहता है कि हमें इंसाफ मिले। हम आज दलितों के साथ अगर कांधा मिला के चलेंगे तो ये इतनी बड़ी ताकत होगी जिसको कोई कुछ नहीं कर सकेगा, कोई रेस में कोई जोर नहीं कर सकेगा। हम आपसे आज वादा करके जाते हैं अपने समाज की तरफ से कि हम लोग आपके साथ ऐसे हाथ मिला के चलेंगे जैसे एक हाथ होते हैं। उदित राज जी ने आज जो इनिशिएटिव ये लिया है, ये किसी हुकूमत से लड़ाई नहीं है, ये किसी के खिलाफ कुछ नहीं है, ये इंसानियत के हक में है। वो बहुत बड़े लीडर हैं, आजाद कुमार सैनी जी जो बहुत ही बड़े सोशल वर्कर हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। उदित राज जी जो आज ये सोशल लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें फख्र है कि आज हम इनके प्लेटफॉर्म से आके आप लोगों से मुखातिब होकर बात कर सकते हैं, हमें गर्व है इस बात पे। जब हम बॉम्बे से चले थे, एयर इंडिया की फ्लाइट थी, काउंटर पे खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि जी फर्स्ट क्लास में पहले सीटें नहीं थी, मैडम आप आ गई तो हम जब अपग्रेड करते हैं आपको। हमने कहा भी नहीं, चाहे जहाज में पीछे या आगे एक ही बात है, पहुंचना तो दिल्ली है, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास क्या चीज होती है। तो कहने लगे, हमने कहा हम तो आम आदमी है, तो उन्होंने कहा आम आदमी, अच्छा आप आम आदमी पार्टी से हैं। हमने कहा नहीं, आम आप किसी पार्टी से नहीं है। उसने कहा आप किस पार्टी से हैं। कहने लगा मैं उस पार्टी से हूँ जो हिंदुस्तान के हक में है, जो हिंदुस्तान को संभाल सकता है, जो हिंदुस्तान के शहरियों को खुश रख सकता है। हमने कहा आप किस समाज से हैं। तो उसने कहा दलित। ज्यादतियों के बाद, इतनी चीजों के बावजूद भी वो इंसान बोला कि मैं दलित समाज से हूँ, जय हो उसकी। ऐसे आदमी को यहाँ आके बैठना चाहिए, समाज चलाना चाहिए, हिंदुस्तान चलाना चाहिए, जिसके दिल में ये इंसाफ है। तो हम जब हाथ पकड़ के एक दूसरे के साथ इकट्ठे चलेंगे तो इस ताकत का अंदाजा कीजिए। हमारी विनती है आज हमारे अपने मुसलमान भाइयों से कि आगे आए और आके हाथ पकड़ के इस मिशन में, जहां पर हम सबको अपना हक मिलेगा, जहां पर हम सब एक खुशहाल इंडिया बना सकेंगे, हिंदुस्तान बना सकेंगे, भारत बना सकेंगे। ये बात है। और यहाँ अगले साल हम वादा करके जाते हैं उदित राज जी के साथ, राजकुमार सैनी जी के साथ, कि जितने आदमी यहाँ आज इस समाज से हैं उससे ज्यादा हमारे समाज से यहाँ आदमी होंगे, और ये हमारा वादा है आपके साथ। हम पूरे हिंदुस्तान में कांधे से कांधा मिला के आपके साथ चलेंगे, और हम अपने इस जज्बे और इस सोच को, इसका सारा क्रेडिट उदित राज जी को देते हैं। उन्होंने हमें ये जज्बा जलाया, उन्होंने कहा कि आप हमारे भाई हैं, आप हमारे साथ आए, और उन्होंने हमें इस रास्ते पे लगाया। जय हो उदित राज जी की, जय हो सानी जी की, राजकुमार सानी जी की। आप लोग सब साथ इसी तरह देते रहे तो ये बात कहीं से कहीं पहुंच जाएगी। ये इतनी बड़ी ताकत होगी जो अभी किसी की समझ में नहीं आ रही, मगर तब आएगी जब हम लोग इक्वल यू रहेंगे एक दूसरे के साथ हाथ पकड़ के। इसके लिए कोशिश करनी पड़ती है, हुकूमतें आती हैं, हुकूमतें जाती हैं, हम सब रहते हैं, हम रहने के लिए हैं, हुकूमतें आने जाने के लिए हैं। हमें बताना चाहिए हमें क्या चाहिए। हर हुकूमत को हम लोग खुद लाते हैं, हुकूमत हमें नहीं लाती। अपनी डिमांड दीजिए। आज ये कोई हुकूमत के खिलाफ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की चीज कोई हुकूमत के खिलाफ नहीं है, ये एक अपील है, एक चीज है, एक मांग है, इसको पूरा करना चाहिए। क्यों नहीं करेंगे, ये हमारा हक है। अगर हमसे ज्यादती होगी तो इनको पूरी करनी पड़ेगी। हुकूमत का ये काम है, हुकूमत बहुत अच्छी है,